अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदन है और आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर हम कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं या हम किसी डेटा से कोई एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं और डेटा कम है और हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। उस हवाले से आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बूट स्ट्रैपिंग। और ये टॉपिक बहुत अहम होने वाला है क्योंकि बहुत दफ़ा हम इस सूरत हाल में होते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन होल का डेटा मौजूद नहीं होता और ये हमें अच्छे तरीके से पता है कि उसको लेना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है, हमारे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लग जाते हैं उसके अंदर। तो बूटस्ट्रैपिंग किस तरह उस अमल में हमारी मदद करता है और हम आज उसको देखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से कि हम बूटस्ट्रैपिंग इस्तेमाल करते हुए अपने लिमिटेड डेटा से सही तरीके से एक्सट्रैक्शन, इन्फरेंस, पॉपुलेशन की किस तरह कर सकता है। चलें शुरू करते हैं। और अगेन, शुरू करने से पहले ये वाली बात यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि मैंने फ़िलहाल कोई डेफिनेशन की तरफ नहीं जाना क्योंकि वो आपको गूगल से और मुख्तलिफ किताबों से मिल सकती है। यहाँ पर काम ये है कि आपको उसका मेन आइडिया समझाना कि बूटस्ट्रैपिंग काम किस तरह करती है। ठीक है, चले हम शुरू करते हैं एग्ज़ाम्पल से ही। और एग्ज़ाम्पल ये है कि हमने बनाई है एक दवाई, जिस तरह अभी कोविड की वैक्सीन बनी थी मुख्तलिफ किस्म की। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई वैक्सीन आती है या दवाई आती है या वैसे ही कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो उसको टेस्ट किया जाता है पहले कुछ सैंपल के ऊपर, क्योंकि दवाई या वैक्सीन वाली चीज़ ज़्यादा हमारे इस केस में मुनासिब है। इसलिए मैंने दवाई वाली एग्जांपल ली है कि हमने एक ड्रग या एक दवाई बनाई थी और हमने ये देखना है कि जब हमने वो 8 लोगों को दी तो उनमें किस तरह का असर बना। ठीक है, वो वायरस में से जिन 8 लोगों को वायरस था उसमें से 5 लोगों को जब दवाई दी तो वो बेहतरी की तरफ गए और 3 लोग जो थे उनकी हालत या तो वैसी रही या और मज़ीद ख़राब होती गई। तो अब ये वाली चीज़ है, हम इसका मीन ले लेते हैं, मीन चेक करते हैं कि वो एवरेज रेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। वो तकरीबन हमारे पास आ रहा है 0.5, क्योंकि वो एग्जैक्टली 0 नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी दवाई ने असर नहीं किया। यहाँ पर दिख रहा है हमें कि हमारी दवाई का असर जो है वो है, क्योंकि 8 में से 5 लोगों को उसका पॉजिटिव असर हुआ है और 3 लोगों को उसका असर नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हमारा सैंपल 8 लोगों का है, हो सकता है कि जो 5 लोग हैं ये वाले वो ज़्यादा उनकी फिज़िकल हालत यानी कि इन टर्म्स ऑफ इम्यून सिस्टम या वो एक्सरसाइज ज़्यादा करते होंगे या उनकी डाइट बेहतर होगी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या उनकी एज जो है वो कम है। ऑब्वियसली जब इंसान यंग होता है तो उसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, इसीलिए जो वहाँ पर बाकी 3 हैं, मुख्तलिफ रैंडम चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से ये 3 लोगों पे दवाई का असर या तो नहीं हुआ या रिवर्स हो गया। तो बहुत सारी रैंडम चीज़ें होती हैं जिनको हम कंट्रोल अक्सर औकात नहीं कर पा रहे होते। अब इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो ये सोल्यूशन हो सकता है कि हम और ज़्यादा पॉपुलेशन में से सैंपल उठा लें और मज़ीद इसको इस जो हमने दवाई दी 8 लोगों को ये रिपीट करते जाएं और देखते जाएं कि किस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास, किस तरह की एवरेज निकल के आती है। लेकिन क्योंकि ये वाला काम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस पर बहुत ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज लग जाते हैं, तो अब हमारे पास का क्या सलूशन है? काम हम यही करना चाहते हैं कि हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में ही, ऑब्वियसली हमने कोई दवाई बनाई है, कोई वैक्सीन बनाई है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 8 लोगों पर हमने टेस्ट किया और जाके हमने मार्केट में शुरू कर दी। हमें बहुत ज़्यादा सैंपल पर स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद ही हम वो मार्केट में कराते हैं। ठीक है, ये तो वही वाली, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हम कभी मार्केट में जाते हैं तो हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, हम दुकानदार से कहते हैं कि हमें चीज़ तो यही चाहिए लेकिन थोड़े सस्ते में दिखा दो। वैसे भी इस पर बहुत ज़्यादा मीम्स बने होते हैं कि हम ऑर्डर ये करते हैं तो थोड़ा सस्ते में ये चीज़ है वगैरह वगैरह, हमने बहुत सारे मीम्स ऐसे देखे होंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन जो हम चीज़ सस्ते में देखने वाले हैं वो उसकी क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा इतना। ठीक है, हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में ही इन्फ्लुएंस करेंगे, पूरी पॉपुलेशन को ही जनरलाइज करेंगे, लेकिन
पूरे पॉपुलेशन का डेटा नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, बूट स्ट्रैपिंग करेंगे। बूट स्ट्रैपिंग वो सस्ते वाली चीज़ है लेकिन क्वालिटी उसकी बेहतरीन है। जिस तरह हम पूरे पॉपुलेशन को इकट्ठा करके उसके बारे में बात करते हैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कि हमने पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करके ये वाली बात कही थी, तो बूट स्ट्रैपिंग में भी हमने क्योंकि एक वैलिड टेक्निक इस्तेमाल करनी है, इसलिए हम पूरे कॉन्फिडेंट होंगे कि हम जो पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। अब बूट स्ट्रैपिंग में बेसिकली चार स्टेप्स होते हैं, हमने किस तरह करनी है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने सैंपल सिलेक्शन करनी है लेकिन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट से क्या मतलब होगा कि हमने यही जो हमारे पास 8 लोग थे ठीक है, जिनको हमने दवाई दी थी, हमने इन्हीं 8 लोगों में से एक सैंपल निकालना है, लेकिन वो सैंपल हम रिपीट कर सकते हैं। यानी कि उस सैंपल के अंदर जो बंदा आ रहा था, जैसे ये वाला है, इसको हमने दवाई दी थी, तो हम इसको 2 दफ़ा भी सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। और ये वाली चीज़ थी, ये वाला जो सैंपल पॉइंट है ये हमने सिलेक्ट किया, इसको हमने दोबारा भी सिलेक्ट कर लिया। ये होता है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट हमने क्यों किया, विदाउट रिप्लेसमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज़ें आ जाती जो हमारे पास ऊपर थी ठीक है। हमने 8 जब इनिशियल शुरू किया, हमारा रेफरेंस था 8 लोगों का या 8 सैंपल पॉइंट्स का, तो हमने जब बूट स्ट्रैपिंग का डेटा निकालना है, इवेंचुअली हमने बूट स्ट्रैप्ड डेटा निकाला है, इसको कहते हैं बूट स्ट्रैप डेटा। जब हम उसी सैंपल में से एक डेटा निकाल लेते हैं, एक डेटा सेट निकालते हैं, एक सैंपल निकाल लेते हैं लेकिन विद रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो एग्जैक्टली ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, ये वाले 2 सैंपल्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसीलिए तो हमारे पास पहला स्टेप हो गया कि हमने सैंपल ले लिया विद रिप्लेसमेंट, और ये जो हमारे पास सैंपल आया है इसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैप्ड डेटा सेट ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने कोई भी स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करना है जो हमारा टारगेट में है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट मीन है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आपके टारगेट में मीन हो, आपके टारगेट में मीडियन भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी हो सकता है, या कोई और स्टेटिस्टिक भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। तो आपने यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं मीन, सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि हमने एक मीन कैलकुलेट कर लेना है उस डेटा का जो अभी हमने निकाला। ये हमारे पास तकरीबन 0 के करीब आ रहा है ठीक है। जो पहला था वो 0.5 था, ये ऑलमोस्ट हमारा 0.1 के करीब आ रहा है, क्योंकि ये डेटा हमारा हमने उसी में से लिया लेकिन कुछ इसके डेटा पॉइंट्स मिसिंग थे। तो अभी कहेंगे हमारा ये वाला डेटा मुख्तलिफ है ऊपर वाले चीज़ों से। जाहिर सी बात है, अगर एक नंबर भी मैथमेटिक्स में पॉइंट के बाद तब्दील हो जाता है तो वो पूरा नंबर ही तब्दील हो जाता है। इसीलिए अगर यहाँ पर ये वाला पॉइंट मिसिंग है ठीक है, और यहाँ पर एक और पॉइंट मिसिंग है ये वाला, तो ये हमारे पास नया डेटा सेट है जिसको हम कह रहे हैं बूट स्ट्रैप्ड डेटा सेट, और इसका मीन भी मुख्तलिफ है। यहाँ पर हमने 2 स्टेप कर लिए। तीसरा स्टेप अब हमारे पास आएगा कि हमने बूट स्ट्रैप डेटा सेट का निकाल लिया एवरेज या स्टेटिस्टिक जो भी आप निकाल रहे थे, उसका अब हमने नोट कर लेना है कि वो किस तरह वेरी करेगा आगे, क्योंकि हमने सिर्फ एक तो नहीं निकालना, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया हो चुका होगा कि बूट स्ट्रैप असल में हम सिर्फ एक दफ़ा नहीं करेंगे, बहुत दफ़ा करेंगे। जो हमारे पास एवरेज आएगा या जो आपके पास स्टेटिस्टिक आएगा उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। इसे हमने इसका रिकॉर्ड रखें, किस तरह रिकॉर्ड रखेंगे, हम उसका यूजली हिस्टोग्राम बना लेते हैं ताकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया हो जाए ठीक है। यहाँ पर अगर आपको हिस्टोग्राम का नहीं पता या आपको कन्फ्यूजन है कि डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, तो आप यहीं पर रुकें और जाएं स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें पहली ही कुछ वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि हिस्टोग्राम किसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, और आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीसरा स्टेप कर लिया कि हमने हिस्टोग्राम में वो यहाँ पर 0.1 था ऑलमोस्ट, तो हमने यहाँ पर उसको नोट कर लिया, हिस्टोग्राम बना लिया, पहला हमारे पास एक बार बन गई है। चौथा स्टेप क्या होगा, आखिरी स्टेप और चौथा स्टेप ये है कि हमने रिपीट करते जाना है। यानी कि हमने डेटा लिया, विद रिप्लेसमेंट लिया, उसका स्टेटिस्टिक निकाला और उसको नोट कर लिया ठीक है। अब हमने उसको नोट जब कर लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह का हिस्टोग्राम बनेगा। यहाँ पर एक बात जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई वो ये है कि बूट स्ट्रैपिंग के 2 क्वेश्चन आपके जहन में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हम कितनी दफ़ा इसको रिपीट करेंगे, कितनी दफ़ा इनफ होगा कि
कि हम बूटस्ट्रैपिंग करें और हम कह सकें कि हमारा जो इन्फ्रेंस है या हमने जो बात निकाली है वो बिल्कुल दुरुस्त है और हम पॉपुलेशन के बारे में कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टडी के ऊपर। जो एक आम थ्रेशोल्ड है वो 10,000 सैम्पल्स का है, और ये आपने खुद मैनुअली नहीं निकालना होता, ये आपको कंप्यूटर असल में निकाल रहा होता है। ठीक है, जो हम उसको कहते हैं कंप्यूटेशनल पावर कितनी है वगैरह वगैरह, वो आप कोई भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं या पाइथन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके थ्रू आप निकालते हैं, और ये आप मैनुअली नहीं कैलकुलेट करते, ये आप 10,000 तकरीबन बूटस्ट्रैपिंग का प्रोसेस 10,000 दफ़ा रिपीट करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह की हिस्टोग्राम की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। जाहिर सी बात है, ये 10 दफ़ा रिपीट मैंने 10,000 दफ़ा रिपीट मैंने नहीं किया, तो आपने इसको जब 10,000 दफ़ा रिपीट करेंगे तो आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी इस तरह की बिल्कुल, या अगर आप ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते इस तरह की ही डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आनी थी। ज़्यादातर चांसेस यही, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा रिपीट कर दी है इसलिए हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन का बिल्कुल कंपेरेबल है, या उसको हम कह सकते हैं कि उसका इमेज एक किस्म का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों स्टेप कर लिए, और 10,000 वाला जो मैंने एक थ्रेशोल्ड बताया है ये आपकी स्टडी पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा रिसर्च में इसे ज़्यादा दफ़ा भी किया जाता है, बहुत दफ़ा 10,000 को इनफ समझ के उसके ऊपर काम कर लिया जाता है, लेकिन अगर आप रिसर्च की फील्ड में हैं और आपने अपनी रिसर्च से मुतालिक जो पेपर्स पढ़े हैं उसमें ये बात मेंशन होगी, तो आपने उसी को मद्देनजर रखते हुए अपना थ्रेशोल्ड डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है हिस्टोग्राम, जिससे हमें आइडिया हो रहा है कि जो पीक वैल्यूज़ हैं वो और जो एवरेज वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल सैंपल की आई थी वो ऑलमोस्ट वही है। यानी कि इधर ये वाला जो एरिया है ये बता रहा है कि हमारा जो दवाई है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है लोगों के ऊपर, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर और जो ये वाला एरिया है दोनों एंड्स पे, ये बता रहे हैं कि इधर वाले जो केसेस हैं वो रेयर पॉसिबिलिटीज है। यानी कि ये वाला एरिया जो है स्पेसिफिकली ये हमें बता रहा है कि हमारी दवाई नहीं काम करेगी या रिवर्स काम करेगी, उसके चांसेस कम है। तो यह हमें पूरे पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब बूटस्ट्रैपिंग ने हमें ये प्रोवाइड तो कर दिया इंफॉर्मेशन, तो ये मज़ीद हमें किस तरह काम कर सकता है। अब ये वाली जो चीज़ हमने बूटस्ट्रैपिंग से निकाली है इससे हम इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना था। तो इसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बूटस्ट्रैप डेटा का जो हमने मीन निकाला है असल में वही होगा जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल का था। ठीक है, और अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में अभी नहीं पता चल रहा, उसकी वीडियो भी अलग से मौजूद है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाएं और उसको देखें कि कॉन्फिडेंस इंटरवल किसको कहते हैं। उसके अंदर भी ग्लिम्स है बूटस्ट्रैपिंग के प्रोसेस का, और उसमें बताया गया है कि एक तरीका जिससे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं वो बूटस्ट्रैपिंग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने कहा है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है जिसमें तकरीबन हमारे पास 7 लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं तकरीबन, और उसके अंदर 0 की एवरेज भी फॉल कर रही है, इसका यह मतलब हुआ कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस था उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं कि दवाई हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही। इसमें नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। और अगर आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये मैंने क्या बात कर दी है, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसको कहते हैं, इसको इसका ये मतलब है कि आपने वीडियोस स्किप की है, आप जाएं पीछे और जाकर हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जिसके अंदर 3 खास वीडियोस इसके ऊपर मौजूद हैं, नल हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कहते हैं और पी वैल्यू किसे कहते हैं, ये ज़रूर देखें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखें। इसमें जब मैंने कहा है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट नहीं कर रहे, मैंने क्या गलती है ये भी ज़रूर लिखिएगा। उसमें हमारा नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने कोई भी डेटा रैंडम से उठा लेना, आप इस तरह करें कि आप कोई भी 8 रैंडम नंबर्स उठाएं, ठीक है, पाइथन में, और उसके ऊपर बूटस्ट्रैपिंग लगा कर देखें कि क्या होता है। 10,000 दफ़ा लगाने की ज़रूरत आपको महसूस होती है तो लगा लें, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए कि बूटस्ट्रैपिंग होती क्या, किस तरह काम करती है, बूटस्ट्रैपिंग का क्या फॉर्मूला होता है, फंक्शन क्या है पाइथन में, ये आपको काम है ढूंढना। ठीक है, आप ढूंढेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में पाइथन में हम किस तरह करते हैं।
और आइंदा अगर आप इसको रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज हमारा काम ये था कि हम उसका एक जनरल आइडिया ले लें कि बूटस्ट्रैपिंग किसे कहते हैं और उसके मेन स्टेप्स कौन से हैं। हाँ, इसको निकालने के बहुत ज़्यादा मज़ीद तरीके हो सकते हैं, और बूटस्ट्रैपिंग से आगे मज़ीद चीज़ें इस्तेमाल जो हम करते हैं, स्टैंडर्ड एरर किस तरह निकालते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह निकालते हैं, उसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन फार्मूलाज मौजूद हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्योंकि सिर्फ ये था कि हम बूटस्ट्रैपिंग को समझ सकें, उसके मेन आइडियाज़ को समझ सकें, इसलिए आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।